वैक्सीन से जुड़े हुए चार अपडेट्स आपके साथ ये वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें। नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। यहाँ पे दोस्तों अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है COVID-19 एंटीबॉडी टेस्ट। अगर आप ये टेस्ट करवाते हो आपको ये पता चलता है कि क्या आपकी बॉडी जो है वो कोरोना को हराने के लिए सक्षम है। अगर है तो आपकी बॉडी में कितने लेवल तक वो एंटीबॉडीज है। बुक करने के लिए आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन एरिया मिलेगी 10% डिस्काउंट के साथ, वहां से बुक कर लो। फ्री में एक सैंपल कलेक्ट होगा, विद इन 48 आवर्स आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपके लिए, आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स किसी के लिए भी टेस्ट जो है बुक कर सकते हो। आगे बढ़ते पहले अपडेट की तरफ जो जुड़ा हुआ है चाइना के साथ। चाइना ने जो है वो अपनी वैक्सीन सिनोफार्म को एक कंडीशनल अप्रूवल दे दिया। एग्जैक्टली किस तरह का अप्रूवल है वो रिवील नहीं किया गया है, लेकिन चाइना जो है वो काफी लंबे समय से अपने लोगों को वैक्सीन देता हुआ आया है और ऐसे में जो है अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 लाख लोगों तो ऑलरेडी वहां पे वैक्सीन लग चुकी है। यहाँ पे अब एक बार कंडीशनल अप्रूवल जो है वो सिनोफार्म वैक्सीन को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं सेकंड अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ है यूनाइटेड स्टेट्स के एक नर्स के साथ। अब उन्होंने जो है वो फाइजर की वैक्सीन ली थी और फाइजर की वैक्सीन लेने के बाद भी वो जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। ऐसे में जो है आप सभी को समझना जरूरी है कि हर एक वैक्सीन की एक एफिशिएंसी निकल के आती है। मान लीजिए फाइजर की हम बात करें तो फाइजर की जो एफिशिएंसी है वो 95% है, मतलब 5% ऐसे लोग होंगे जो वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव हो सकते हैं। अगर वो एक्सपोज नहीं होते तो वो नहीं होगे, लेकिन अगर एक्सपोज होता है तो वो होगे। तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे ऐसा हम नहीं कह सकते कि फाइजर की वैक्सीन जो है वो बेकार है, बकवास है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एफिशिएंसी 95% है तो अप्रॉक्सिमेटली 100 में से 95 लोग जो है प्रोटेक्टेड रहेंगे, 5 लोगों पे खतरा तो जो है रहेगा। और वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन के कौन सा बंदा जो इम्यून होगा कौन सा बंदा नहीं इम्यून होगा, तो उस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट अपडेट के ऊपर जो जुड़ा हुआ यूनाइटेड किंगडम के साथ। कल शॉर्ट वाले वीडियो में आपको बताया था, एक चीज यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि मोस्टली मैं जो वीडियोस होता है मॉर्निंग में रिकॉर्ड करता हूँ। मॉर्निंग में रिकॉर्ड करने के बाद मान लीजिए आफ्टरनून में कोई नया अपडेट आता है तो वो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स से आपको बताता हूँ, जो 1 मिनट से कम का वीडियो होता है। तो शायद से उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई लेटेस्ट अपडेट मैंने आपके साथ शेयर कर दी और जो लेट इवनिंग का जो वीडियो आता है उसमें ओल्डर अपडेट हो, तो ऐसा हो सकता है। तो कल ही मैंने शॉर्ट वाले वीडियो में सबको बताया था कि यूनाइटेड किंगडम ने जो है वो एस्ट्राजेनेका की ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल ग्रांट कर दी है और उन्होंने जो है वो 100 मिलियन मतलब 10 करोड़ वैक्सीन डोजेस का ऑर्डर जो है ना ऑलरेडी एस्ट्राजेनेका को दे दिया है। तो यहाँ पे उसका जो इम्पैक्ट था वो इंडिया पे आने वाला ही था, मैंने शॉर्ट में भी बताया था। तो फाइनली जो है वो यूके ने जस्ट डिसीजन ले लिया है। तो यहाँ पे इंडिया में सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमिटी जो है वो 1 जनवरी 2021 को ये वैक्सीन के ऊपर डिसीजन लेने वाली है। उन्होंने पैनल मीटिंग जो है शेड्यूल की है, तो उस दिन पता चलेगा कि क्या अब अप्रूवल ग्रांट किया जाता है या फिर अब भी कोई और डेटा डिमांड किया जाता है। तो अब हमें पता चलेगा 1 जनवरी 2021 पे। मुझे लग रहा था कि 2020 एंड तक पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो मीटिंग है वो 1 जनवरी 2021 को शेड्यूल है, तो उस पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पे वेट करना ही पड़ेगा, मतलब वेट इतना भी ज्यादा नहीं है। कम ऑन यार, 31st आज हो चुकी है, कल 1st हमें पता चल ही जाएगा। आज के 4 अपडेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए, आशा रखता हूँ आपको पसंद आए होंगे। आए हो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, नए हो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। अगले वीडियो में डेफिनेटली आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।